नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको एक बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन बनाने का आसान सा तरीका। दोस्तों सबसे पहले मटेरियल जान लेते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिएगा। ये मैंने एक फ्रंट लिया हुआ है कमीज का, जिसमें हम वी नेक डिज़ाइन बनाएंगे। और ये मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया है, जिसके ऊपर उसका पैच वर्क करेंगे। कोलर टाइप हमारा पैच होगा, और जिसको अंगरखा टाइप भी बोल सकते हैं। और ये बुकरम ली है, जिसमें से हम वी गला कट करेंगे। और ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, जो हमारे डिजाइन बनाने में काम आएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले गला कटिंग कर लेते हैं। गला कटिंग करने के लिए जो मैंने ये बुकरम ली है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई 9 इंच की हो जाती है। यहाँ पे हमने ब्रॉड लेंथ काटनी है 7 इंच, तो हम 3.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने डीप देखना है दोस्तों, डीप जो गला रखना है 7.5 रखना है, तो 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हम राउंड शेप दे देते हैं इस प्रकार। आप अगर पहली बार गला काट रहे हो तो बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे, फिर राउंड शेप दे देंगे। जो हमने राउंड शेप का निशान लगाया है, इसी निशान के ऊपर हम कट करेंगे। और यहाँ पे भी हम 0.5 से 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक निशान और लगाकर उसके ऊपर भी कट करेंगे। तरीके से दोस्तों हमारा राउंड वी नेक कटिंग हो गया है। अब हमने इसके ऊपर कुछ पैच लगाने हैं, 2 पैच कटिंग करने हैं। पैच कटिंग करने के लिए ये मैंने पेपर पेस्टिंग ली है, यहाँ पे दोस्तों हमने एक पेपर पेस्टिंग का जो ये टुकड़ा लिया है, जिसकी मैं आपको लंबाई चौड़ाई बताऊंगा, 14.5 इंच बाई 14.5 इंच, मतलब 14 बाई 14 का हमने एक पीस लिया है। इसमें हम इसको आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हो, 1-2 इंच की कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर हम इस प्रकार से जो हमारा बीच वाला वी नेक का जो बीच का पैटर्न निकला है, उसको इस प्रकार रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और फ्यूल वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखेंगे। पेपर पेस्टिंग का एक साइड रफ होती है, एक साइड फ्यूल होती है, जिस जो प्रेस से हमारी चिपक जाती है कपड़े के ऊपर। यहाँ पे हम निशान लगाएंगे इस प्रकार ऐसे। ये बीच वाला जो हिस्सा हमारा निकला था वी का, मैंने यहाँ पे इस प्रकार निशान लगाए हैं। अब हम इस निशान को थोड़ा आगे ले लेते हैं। इस शेप में, और यहाँ से हम एक साइड से तकरीबन 1.25 इंच लेंगे। यहाँ पे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे यहाँ से मैंने 1.25 लिया, फिर 1.25 लिया, फिर तकरीबन इतना ही गैप छोड़ते हुए मैंने थोड़ा कम कर दिया इसको 1.5 इंच, फिर 1.5 इंच से हल्का सा कम, फिर यहाँ पे और थोड़ा सा कम 1.25 इंच, फिर यहाँ पे नोक पे 1 इंच। तो इस तरीके का एक दूसरे निशान से हम ये मिला लेते हैं। और यहाँ से फिर ये इसी तरीके से निशान लगाते हुए हम यहाँ पे नोक बना लेंगे। यहाँ पे हमारे एक साइड के निशान कंप्लीट हो गए हैं। इस शेप को आप थोड़ा ऊपर नीचे किसी भी तरीके से दे सकते हो। यहाँ पे से मेरा कहने का मतलब है, निशान आप थोड़े ब्रॉड भी लगा सकते हो, कम भी लगा सकते हो, जैसा आपको सुंदर लगता हो। सेम
दूसरी साइड भी हम सेम निशान लगाएंगे यहाँ तक, या हम क्या करेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हमने लास्ट तक नहीं करनी है, मैं आपको बता दूं वी जो हमारा बीच वाला पीस होगा उसकी बिल्कुल लास्ट तक कटिंग करेंगे ऐसे, और जो साथ वाला होगा जो हमने आगे का निशान लगाया है जिस पे मैं कटिंग कर रहा हूँ इसको आपने आगे तक कटिंग नहीं करना है, इसको हम यहाँ तक कटिंग करेंगे। ये कटिंग होने के बाद एक हिस्सा हम निकाल लेते हैं, ये वाला, ये हिस्सा मैंने एक निकाल लिया है, और जो दूसरा पीस होगा हमारा इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों, अब ये जो हमारा वी नेक हो गया ये वाला, एक हिस्सा हमारा ऐसे आएगा यहाँ पे और एक हिस्सा हमारा ये आएगा इस तरीके से, जो हम ब्लैक कलर का लगाएंगे। इस प्रकार का दोस्तों हमारा ये डिजाइन होगा। अब सबसे पहले हम इनको पेस्ट कर लेते हैं कपड़े के ऊपर दोनों पीसों को। दोस्तों इस तरीके से हमने ये गला पेस्ट कर लिया है दोनों। इसमें क्या होता है कि हमें गैप रखना होता है थोड़ा। अब हम यहाँ पे आधा आधा इंच का इस तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। दोस्तों ये पीस हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब एक पीस मैंने नीचे की साइड रखा है, उनको भी हम सेम कटिंग करेंगे। इस तरीके से ये भी हम सेम कटिंग करेंगे। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा वाला पीस होगा इसको, इसके दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। एक साइड जैसे सिलाई लगाई है, दूसरी साइड भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और दोनों साइड से इसका दबाव थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। ये ध्यान रहे ना हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और ना दूसरी साइड, दोनों साइड हमारी ये ओपन रहनी चाहिए, खुली हुई, खुला हुआ मुंह रखेंगे दोनों साइड से। यहाँ पे हम कट लगाएंगे जहाँ पे हमारी गोलाई आएगी, हल्के हल्के इस प्रकार से। अब हम दूसरा पीस लेंगे ये वाला, इसमें हमें नोक बंद करनी है और एक साइड ओपन रखनी है ये वाली। यहाँ पे हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। नोक निकालने के लिए एक धागा लेंगे, इस प्रकार उसको डबल कर लेंगे और उस धागे को यहाँ पे नीडल के साथ मिलाते हुए एक टांका लगा लेते हैं, और इसको इस प्रकार ये धागा हमारा नीडल के बीच में आ जाता है, इसको हम यहाँ पे एक साइड दबा देते हैं यहाँ पे, बिल्कुल एक साइड सिलाई के साथ साथ इस प्रकार लगा के छोड़ देते हैं और आगे की अपनी सिलाई कंप्लीट करते हैं।
इसका भी हम दबाव कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा। जहां पे हमारी गहराई आएगी वहां पे हम कट लगाएंगे। इस साइड भी हम दूसरी साइड से भी इतना ही मार्जिन छोड़ के कट करेंगे। दोनों पीस की हमारी इस तरीके से सिलाई होने के बाद कटिंग हो गई है। दोस्तों जैसे हमने दोनों सिलाई से कंप्लीट किए हैं, अब हम इनको पलट लेते हैं। अगर आप किसी बारीक चीज़ हो आपके पास उससे पलट सकते हो, या इसी तरीके से एक पीस तो हमारा ऐसे ही पलटा जाएगा। पलटने के बाद जो हमारा पीस आएगा इस तरीके से नज़र आएगा आपको। अब हम दूसरा पीस भी पलट लेते हैं। दोस्तों थोड़ा पलटने के बाद हमारा जो हमने धागा डाला था नीडल में वो आ जाता है। अब हम उसको खींच लेंगे इस प्रकार, तो ये हमारी नोक भी निकल जाएगी और ये हमारा पूरा पीस पलट जाएगा। अब हम इनको अच्छी तरीके से प्रेस से सेट कर लेते हैं। दोस्तों प्रेस से सेट करने के बाद हमारे इस प्रकार के पीस दोनों नज़र आएंगे, जो कि हम इस तरीके से लगाएंगे। अब हमने गला तैयार करना है बुकरम वाला, जो मैंने वी नेक सबसे शुरुआत में कटिंग की थी उसकी कटिंग उसको बनाएंगे। यहाँ पर हम ब्रॉड लेंथ पूरी 7 इंच रखते हुए सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई लगाते हैं। बाहर का कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, पूरे गले का बाहर वाला पीस इस प्रकार फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद सिलाई के साथ साथ जो कपड़ा होगा हमारा उसको कट कर लेते हैं और ऊपर से भी हम एक्स्ट्रा पीस को कट करेंगे। अब हम सेंटर मिलाएंगे और फिर फ्रंट लेंगे। फ्रंट हमने सीधी साइड ऊपर की साइड रखना है और फ्रंट का भी सेंटर करते हुए गला बुकरम वाला इस तरीके से ऊपर की साइड रखेंगे और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार कट करेंगे। और बुकरम वाले गले को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगाएंगे।
तरीके से हमारा ये गला तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे जो हमारे दो पीस हैं, पहले छोटे वाला पीस इस प्रकार रखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे रखते हुए एक किनारी की सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरा पीस यहाँ पे इस प्रकार रखेंगे। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा बाहर निकलता है हमारा पीस, इसको कट करेंगे। ये पैंच हम इस तरीके से लगाएंगे जहाँ पे बिल्कुल बराबर आए हमारा और नीचे तक अच्छी तरीके से बैठ जाए। जहाँ पे हमारा सेंटर आ जाता है वहाँ पे एक बार मशीन रोकते हुए हम बिल्कुल सेंटर इस तरीके से देखेंगे कि हमारा पीस कहाँ पे बैठता है। और आप चाहें तो एक यहाँ पे निशान भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम पक्का करके सिलाई को कट करेंगे। अब हम जो ये हमारा धागा डाला हुआ है हमने, इसको निकाल देंगे। इस तरीके से। और फिर गला देखेंगे, ऊपर का जो एक्स्ट्रा पीस होता है उसको भी कट करेंगे। और इस तरीके से हमारा ये डिजाइनर गला तैयार हो जाता है। इसको आप अंगरखा नेक भी बोल सकते हो, कॉलर नेक भी बोल सकते हो। इस तरीके से दोस्तों हमने ऊपर की साइड ये बटन लगाए हैं, 5 बटन लगाए हैं और बीच में हमने ये लटकन लगाई है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।